हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अडानी विल्मर लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में किस तरह का सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ अगर देखें 336 ऊपर 400, 336 से 400 के बीच में एक लंबे समय से स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 350। आगे किस तरफ का सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे क्लोस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे अगर आप देखें तो 336 पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ था और इस ब्रेकआउट के यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक में सपोर्ट यहीं जनरेट होने लगे। ये देखिए, तेजी से स्टॉक ऊपर गया 400 प्लस, फिर स्टॉक नीचे आता है कहां तक, तो आप देखेंगे 336 पे। फिर से स्टॉक में आपको तेजी दिखाई दी 400 रुपए तक के आसपास की, फिर गिरावट होती है कहां तक, 336। फिर से स्टॉक तेजी से 400 प्लस यहां पर जाता हुआ दिखाई दिया, गिरावट करके स्टॉक 320 तक भी गिरा। यहां से तेजी से स्टॉक ऊपर लौट रहा है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं फिर से यहां पर रेड कैंडल बन रहे हैं पिछले तीन दिनों से। यहां पर यदि गिरावट होती भी है तो लगभग 336 के आसपास आपको फिर से सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यदि आप यहां पर बाइंग का सोच रहे हैं 336 के आसपास, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको 320 रखना होगा, और यहां से जो टारगेट निकल करके आएगा वो आपका 400 रुपए के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 320 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख करके ही आपको यहां पर एंट्री करना चाहिए।